नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष जो वीडियो पेश कर रहे हैं उसमें तीन चीज़ें हम रखेंगे, CMSED, डिप्लोमा फार्मेसी और फार्मा डी। देखिए तीनों फर्क है, बी पर डिप्लोमा है, फार्मा डी डिप्लोमा नहीं है, ये डॉक्टरेट है। दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूज़न है कि डिप्लोमा फार्मेसी फार्मा डी होती है। नहीं, जो फार्मा डी है वो डॉक्टरेट कोर्स है, वो 6 साल का है। डी फार्मेसी जो है 2 साल की है, जो बी होती है बैचलर वो 4 साल की है, और CMSED 1.5 साल की भी हो सकती है, 2 की भी 3 की, डिपेंड करता है संस्था टू संस्था। क्या उसमें मेडिसिन फर्क हो जाती है? नहीं, मेडिसिन सेम होती है, सिलेबस नंबर ऑफ चैप्टर ईच सब्जेक्ट के बढ़ जाते हैं CMSED में। तो दोबारा दिखा लाता हूँ आपको, CMSED 1.5, 2 या 3 की हो सकती है, बी फार्मेसी 2 ईयर की होती है, और डॉक्टरेट इन फार्मेसी 6 साल की होती है। और जो फार्मा डी है या डी फार्मेसी है, उनको करने के लिए इंटर चाहिए, +2 चाहिए। वो नॉन मेडिकल वाला भी कर सकता है, मेडिकल वाला भी कर सकता है, यानी कि PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला भी कर सकता है, और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला भी कर सकता है। CMSED में अगर आपने 12वीं साइंस से नहीं की, आर्ट्स वाला भी कर सकता है और 10th पास भी कर सकता है CMSED। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो स्टेट राज्य की स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उनसे एफिलेटेड होता है डी फार्मेसी का और फार्मा डी का कॉलेज, मगर CMSED के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट फार्मेसी काउंसिल से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज CMSED हैज नथिंग टू डू विद फार्मेसी, वो फार्मेसी के साथ उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। ठीक है जी, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो फार्मेसी डी फार्मेसी बी फार्मेसी बैचलर डिप्लोमा और डॉक्टरेट इन फार्मेसी के लिए जो कॉलेज या संस्थाएं होती हैं उनको मान्यता लेनी पड़ती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। ठीक है जी, और स्टेट की जो कि राज्य की फार्मेसी काउंसिल से, मगर CMSED के लिए कोई भी ऐसी मान्यता की जरूरत नहीं है एक संस्था खोलने के लिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी नहीं चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल से भी नहीं चाहिए। CMSED की एलिजिबिलिटी 10th भी हो सकती है, 12वीं किसी सब्जेक्ट की भी हो सकती है, और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी कर सकता है। डी फार्मेसी की कम से कम न्यूनतम योग्यता जो है डिप्लोमा की 12वीं पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, डॉक्टरेट या फार्मा डी के लिए क्योंकि 6 साल का कोर्स है 12वीं के बाद, डॉक्टरेट है सीधा ही PhD लेवल का कोर्स है, सीधा ही MBBS लेवल का कोर्स है, वो 6 साल का है, मैक्सिमम सीटें एक कॉलेज में 20 होती हैं उसमें। तो जो फार्मा डी है उसकी इंटर्नशिप बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे कि MBBS की हॉस्पिटल में लगती है, और फार्मा डी का अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और यहाँ तक कि उसको वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन राइट्स भी दिए गए हैं, मगर उनकी वहाँ की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। इंडिया की पढ़ाई MBBS MD भी कनाडा USA में ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते, वो 12वीं के बराबर ही है, जैसे MBBS करने के बाद USMLE क्लियर करनी पड़ती है, ऐसे ही वह फार्मेसी के टेस्ट जरूर क्लियर करने पड़ेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए और वहाँ पे हॉस्पिटल की फार्मेसी के लिए। तो दोस्तों, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी का कम स्कोप है, मगर फार्मा डी का ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जो फार्मा डी है वो क्लिनिकल साइड पे भी चला जाता है, और क्लिनिकल कम्युनिटी फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी में भी वो लग सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी लग सकता है, क्लिनिकल रिसर्च की तरफ भी जा सकता है, फार्माको विजिलेंस में भी जा सकता है, तो बहुत उसका स्कोप है, यानी कि वो एक बहुत बड़ी डिग्री है डॉक्टरेट। अभी इंडिया में 2013 में शुरू हुआ, अभी अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, जागरूकता नहीं है, आम व्यक्ति डी और फार्मा डी को एक ही समझ रहा है, वो 6 साल का लंबा कोर्स है। और दूसरी बात, जब डॉक्टरेट फार्मा डी कर ली जाती है तो बंदा डॉक्टर भी लगा सकता है अपने साथ, सही मायने में जो लोग डॉक्टरेट होते हैं
या पीएचडी लेवल के होते हैं वही डीआर लगाती है। देखा जाए तो एमबीबीएस ग्रेजुएशन कोर्स है, डिग्री कोर्स है, सही मायने में उसमें भी डॉक्टर लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टरेट पीएचडी वाला या फार्मेसी वाला जब लगाता है तो दूसरी लोग भी बहुत नाराज होती है, मगर देखा जाए तो वो डॉक्टरेट कोर्स है, ठीक है, वो बैचलर से भी बड़ा है, डिप्लोमा से भी बड़ा है, मास्टर से भी बड़ा है। दूसरा, सीएमएसईडी से फर्स्ट एड पोस्ट खोली जा सकती है, लिमिटेड ओटीसी मेडिसिन, थोड़ी मेडिसिन बल्क में नहीं रखनी, मगर डी फार्मेसी वाला जो है वो बल्क में दवा रख सकता है, बल्क में जब वो मेडिकल स्टोर खोलता है या फार्मा डी भी रख सकता है, होलसेल खोले रिटेल खोले वो बल्क में रख सकता है, वो ओटीसी के अलावा शेड्यूल एच भी रख सकता है, अगर उसने एक्स्ट्रा लाइसेंस लिया है तो शेड्यूल एक्स भी रखा जा सकता है, उसके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए, ठीक है जी। तो फार्मा डी के लिए भी वही चीज़ है, मगर ये है कि फार्मा डी थोड़ी सी पढ़ाई उसकी बहुत ही 100 या 1000 एक्स हो जाती है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी थी बात, सीएमएसईडी के बाद अभी तक कोई रेगुलेटरी एक्ट नहीं आया, कोई एक्ट आएगा उसके अंडर क्राइटेरिया रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो पाएगी सेंटर रजिस्टर में और स्टेट रजिस्टर में। अभी एक दो जगह पे रजिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट शुरू हुआ है, वो कोई मायने नहीं रखता, जो डी फार्मेसी और फार्मा डी का रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होता है एज ए फार्मासिस्ट, मगर याद रखिए डी फार्मा वाला भी फार्मासिस्ट ही कहलाता है और बी वाला भी फार्मासिस्ट कहलाता है और फार्मा डी भी फार्मासिस्ट ही कहलाता है, ठीक है जी। आने वाले टाइम में फार्मा क्लिनिक खुलेंगे जिसमें काफ़ी हद तक इनको पावर दी जा सकती है, तो जैसे लैब टेक्नीशियन डीएमएलडी वाला भी लैब टेक्नीशियन है, बीएससी वाला भी लैब टेक्नीशियन है, एमएससी वाला भी और पीएचडी एमएलडी वाला। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।